अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से जो है वो अपने हलीम की रेसिपी शो करूँगा। ये जो हलीम की रेसिपी है वो नाना मुझे बना रहे हैं, तकरीबन 30-35 साल से बना रहे थे वो, तो फिर उसके बाद जो है मैं बना रहा हूँ 14-15 साल से, वो हर साल बनाता हूँ मैं, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो लोग मुझसे कह रहे थे कि अपनी रेसिपी शेयर करें, तो मैं बताता भी रहता हूँ लोगों को। तो फिर मैंने कहा चले यार अब मैं इसको एक ब्लॉग की शक्ल में आपको दे दूँ, ताकि कौन क्योंकि सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि किस तरह से कितनी कितनी डलती है, तो जो है आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो शुरू करता हूँ। तो पहले के लिए गंदम है, गंदम लिया है मैंने 7.5 किलो, और 3 किलो जो है मैंने जौ लिया है, दालें ली है मैंने, ये मूँग की दाल ली है 2 किलो, और मसूर की दाल ली है 2 किलो, और ये सफ़ेद माश लिए 2 किलो, ठीक है ये, और चावल लिए मैंने 2 किलो, और चने की दाल जो है ये मैंने लिए 6 किलो। तो 3 दिनों में तकरीबन 2-2 किलो के हिसाब से, ये तो रेसिपी है, ये है 3 दिनों की। तो ये चावल है 1.5 किलो चावल, अक्सर लोग जो है नहीं डालते, खाली दालें डालते हैं, तो मैं डालता हूँ चावल। तो ये कि 1.5 किलो का डिश होता है इनका एक डेज के अंदर, तो 3 दिनों में तकरीबन 1.5 किलो चावल है, बाकी 2 किलो 3 दालें हैं मूँग की, मसूर की, और सफ़ेद माश, बाकी 7.5 किलो गंदम है, बाकी जौ है 3 किलो। तो ये जो है ये जौ और गंदम जो है ये मैंने लिया है कुटा हुआ, ये मैं कुटा हुआ लेता हूँ, सही है। तो बाकी ये 6 किलो चने की दाल है, बाकी जो है आपसे कोहने की चीज़ें शेयर करूँगा दोस्त के साथ। अच्छा अब हम कोहने की साइकिल बताएंगे आपको। ये देखें डेढ़ मिर्च ली है हमने, तो ये जो है इसमें 1.5 पाव डालेंगे, सही है। हल्दी ली है हमने, ये भी 1.5 पाव की चिंता के साथ 1.5 पाव देंगे, आधा पाव, और ये है गरम मसाला है, ये चाट मसाला है, ये प्याज है, ये नमक का पैकेट है, और ये साग के पत्ते हैं। अच्छा वो कोर्मी के साथ जो है ना, कोर्मी का जब आप मसाला बनाएंगे तो हम जो बनाते हैं ना, तो उसमें हम जो है ये थोड़ा सा इसमें अपने हिसाब से जो है नहारी का पैकेट भी डालते हैं, कोर्मी के अंदर चटक के लिए थोड़ा सा ज़रा टेस्ट कराने के लिए। तो कोर्मी के साथ जो है उसमें थोड़ा सा शाम के जो है पैकेट जो भी हम कोर्मी के अंदर डालते हैं जब हम कोर्मा बनाते हैं, ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। अनाज जो है वो हमारा भिगोने के लिए जो है वो तैयारी पर है, तो ये हमने जो है पैकेटों से निकाल लिया, और ये देखें 3 किलो जो है सब्जी की दाल है, देखें साफ सुथरी दाल है, देखें खेत में ये है, ये देखें कुटा हुआ, ये देखें दालें देखें बिल्कुल साफ है, जौ की और देखें गंदम की क्वालिटी देखें आप कैसी है, कुटा हुआ है, देखें आप कैसा रूखा गोश्त है, बिल्कुल साफ गोश्त है, और 20 किलो गोश्त है ये बकर हड्डी का, उससे 6 किलो जो गोश्त लिया है हमने वो हड्डियाँ ली हैं, उसमें तकरीबन 2-3 किलो गोश्त और होगा, 23-24 किलो गोश्त हो जाएगा, और यखनी के तौर पे जो है वो हमें हड्डियों से जो गोश्त निकलेगा तो हमें वो भी चाहिए होगा, तो टोटल ये बनेगा 24-25 किलो गोश्त लिए, तो 8 किलो का रेशो रखें आप तकरीबन। ये जो कोरमा हमने हलीम के लिए बनाया है इसमें हमने गोश्त को लहसुन अदरक में भूनकर मसाले डाल दिए हैं, नहारी मसाले के पैकेट और तकरीबन आधे मसालों से कोरमा तैयार किया है, इसमें 3 किलो तली हुई प्याज वो भी शामिल है, और कुछ मिकदार में पानी डालकर गोश्त को बहुत अच्छी तरह गलाया है, जैसे उमदा गोश्त गला हुआ होगा रेशे बनने में उतनी ही आसानी होगी और हलीम खूब रेशेदार बनेगा। कोरमा तैयार होगा तकरीबन 24-25 किलो है, जैसे आपको दिखाया था 20 किलो गोश्त हम रूखा गोश्त का पतीला भी देखें थोड़ा पतीला, अब इसका जो गोश्त है और इसमें से जो गूदा निकलेगा तो ये आप देखें ये सारा जो है ये भी डलेगा हलीम में, ताकि थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। ابن خطاب کو مالک
अब हम इसमें बाकी मसाले जात डालेंगे। आधा नमक हम पहले डाल चुके हैं, बाकी नमक हम हल्दी के साथ तेज़पात के साथ जो है वो बीच में डालेंगे। पाकिस्तान में जैसे कि अमूमन रिवाज है हलीम रात भर पकाया जाता है, तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात में तैयार करता हूं, क्योंकि 8-9 घंटे का प्रोसेस होता है, तो ज़ाहिर है एक आदमी का काम नहीं है। तो उसमें फिर हम बुलाते हैं सबको, 7-8-9-10 लोग होते हैं, तो जब ही फिर ये कंप्लीट हो पाता है प्रोसेस। I'm
कोयलों की आंच आप देख सकते हैं, तेगों में से खूब भाप निकल रही है। आइए बढ़ते हैं हम मसालेदार चटपटे हलीम की तैयारी की जानिब। कोरमा तैयार है, अब इसे देवों में मौजूद अनाज और दालों में मिक्स करना है। यार ये तकरीबन 26 से 27 किलो। खानदान का ताल्लुक आगरे से है और आगरे की जहाँ बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं वहीं उसके खाने भी बहुत मशहूर हैं, और हर शहर हर मुल्क की सकाफत की झलक उनके खानों में दिखाई देती है। तो हलीम भी आपको बहुत तरह के जगह जगह के अलग मिलेंगे। जैसे आप ईरान में देखें तो मीठा हलीम बनाया जाता है, हाथ लगेगा ना, एक घंटा लगेगा, एक घंटे का है, लेकिन हमारा अनाज रहता है, हमारा जो अनाज है ना ये रहेगा। हाँ हमारा बिल्कुल, क्योंकि हमारा अनाज बहुत होता है ना। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हलीम बहुत मज़ेदार बना है, आप भी हमारी रेसिपी ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।